तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंस्टाग्राम की कुछ इस टाइप की एडिटिंग। अगर आपको भी अपनी फोटो कुछ ऐसा एडिट करना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझाऊंगा मैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, कुछ नया देखने को मिलेगा इस वीडियो से, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझाऊंगा मैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर दीजिएगा, साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ यार एक लाइक कर दो। तो चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते, प्लीज़ यार आप लोग एक लाइक कर दिया करो। पिछले वीडियोज़ में मतलब लाइक बहुत कम आ रहे हैं और मतलब वॉच करके चले आते हो आप लोग, अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है प्लीज़। तो चलते हैं भाई लोग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स फोटो एडिट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के एक पोज में फ़ोटो क्लिक करवाना है अपनी, ठीक है। और जैसा भी आप लोगों को पोज लगे, मतलब ऐसा है कि ऐसे हाथ में अपना जो इंस्टाग्राम का जो है ना PNG ये अच्छे से ऐड हो जाए, वैसा आप लोग एक पोज में फ़ोटो क्लिक करवाइएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग क्लिक करवाने के बाद में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को उस बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग को उसको डाउनलोड करना है और उसको कर लेना है यहाँ से शेयर अपने पिक्सआर्ट ऐप में। तो यहाँ से हम लोग पिक्सआर्ट में चले आते हैं और इसके बाद आप लोग को क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे अपने ऐड फोटो में और अपनी फ़ोटो को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रही, हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर और इसे हम लोग यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका हम लोग बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इरेजर में जाता हूँ मैं और इसका हार्डनेस बढ़ा लूँगा फ्रेंड्स और यहाँ पर साइज़ बढ़ा के, और यहाँ पे मैं क्या है इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे इसका बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो को स्किप कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आपका समय मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को कर लिया इरेज, इसके बाद आप लोग को करना है यहाँ पर डन और अपनी मॉडल को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बड़ा करने के बाद में आप लोग क्योंकि करना है यहाँ पर डन कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग आराम से। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने ऐड फ़ोटो में और आप लोग को इस PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये इंस्टाग्राम की है, ठीक है। तो इसे आप लोग को ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से, अपने हाथों में ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कर लिया हूँ और उसके बाद क्या है, आप लोग इसकी ऑपेसिटी कम करके देख सकते हो और इसे इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इरेजर में जाता हूँ मैं और इसका यहाँ पर हार्डनेस बढ़ा के और यहाँ पर हम लोग साइज इतना रख के और यहाँ पे अपने हाथों में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने फुल इरेज कराऊँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, यहाँ पे पूरा इरेज कर लेता हूँ ऐसे अपने हाथों में थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे छोटा सा करके यहाँ पे हम लोग साइज और यहाँ पे मतलब ऐड कर लेते हैं। आराम से आप लोग करिएगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को समय वेस्ट होएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on. तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने कर लिए हूँ और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन और इसकी ऑपोजिटी को यहाँ पे फुल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कर लूँगा डन, ठीक है। तो आप लोग आराम से करिएगा यहाँ पे एडजस्ट, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग कर लेने के बाद में यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है और इस PNG की आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग को ऐड कर लेना है जितने बार आपको लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 times ले लिया हूँ, लेता हूँ जल्दी से। तो इस टाइप से आप लोग इसे बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं इसे, ऐसा आप लोग आराम से करिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ पे आप लोग को जाना है एडजस्ट में और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सैचुरेशन इसकी कम कर लेना है। अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप लोग नहीं भी करोगे तो ये चलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कम कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंस्टाग्राम में डाला था वाली फ़ोटो को अपलोड किया था, ठीक है। तो वो अच्छी लग रही थी मुझे, तो इसको हमें क्या है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते फ्रेंड्स। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गलती हो गई थी। तो इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स जल्दी से यहाँ पे भी। Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up. तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ऐड कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने इफेक्ट में और इफेक्ट में जाने के बाद में आप लोग को एक इफेक्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोग का इफेक्ट्स में होएगा और उसके बाद आप लोग को एक इफेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो एक मिनट रुकिए, मैं ढूंढ लेता
देता हूँ यहाँ पे, एक लोमो इफेक्ट होता है आप लोग को मालूम ही होगा, तो आप लोग को उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये रहा, इसको आप लोग को क्या करना है, इसका अमाउंट को कम कर लेना है और यहाँ पे आपको इरेजर में जाना है और उसके बाद में आप लोग को इसका यहाँ पे क्लिक करना है इधर पर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रश का आप लोग को हार्डनेस कम कर लेना है यहाँ साइज़ को जिस टाइप से, और यहाँ पे आप लोग को नीचे के साइड में करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बता रहा हूँ मैं, ऐसे नीचे के साइड में आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग क्या है, थोड़ा सा इरेज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो ऊपर के साइड में थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेते हैं जिसमें अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप लोग को कर लेना है यहाँ पे डन, और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ मैं डन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद में अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ में चले आते हैं अपने और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सेव इमेज, और यहाँ पे हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपनी लाइट रूम ऐप में चले आएँगे। तो थोड़ा सा रिटच करना है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अपने लाइट रूम ऐप में आ चुके हैं। उसके बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ पे आप लोग को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ रही है, एक मिनट रुकिए। तो आप लोग को अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है और उसके बाद में अपनी फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी होगी, उसको आप लोग को ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा रिटच करना है, आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों का फेस वाइट नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर जाइएगा इस आइकॉन में और मिक्स में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग को ऑरेंज में क्लिक करना है और सैचुरेशन कम करके लुमिनस बढ़ा लेना है, ठीक है। वैसे आप लोग को मालूम ही होगा। और जैसा कि आप कि जो भी कपड़े होंगे तो उनका कलर जैसे यहाँ पे रेड है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे लुमिनस भी थोड़ा सा, तो उसमें आप लोगों की फ़ोटो और बढ़िया लगती है। अगर आप लोग की जो भी कपड़े होंगे तो आप लोग यहाँ पे कलर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे और जैसे हम लोग यहाँ पे ब्लू में जाते हैं और ब्लू का सैचुरेशन यहाँ पे बढ़ाते हैं और यहाँ पे मतलब सैचुरेशन बढ़ाने के बाद लुमिनस भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ना जो हमारा यहाँ पे जीन्स है तो वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगा है। तो ऐसा आप लोग कर लेना है। तो ऐसा बढ़ाने के बाद में हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम भी मतलब थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ चुका है। तो ऐसा आप लोग देख लीजिएगा जो भी आप लोग को सैचुरेशन बढ़ाना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डन और ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं इस आइकॉन में और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्चर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और क्लियरिटी थोड़ी सी उससे कम रखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे शार्पनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी फ़ोटो का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे शेडोज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम ज़्यादा आप लोग कर लेना है, जैसे मतलब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाने में अच्छा लग रहा है तो हम लोग बढ़ा लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे वाइट्स को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बढ़ा देता मतलब कम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो कुछ मतलब हम लोगों ने यहाँ पे रिटच करे हैं और हमारी फ़ोटो और बढ़िया लगने लगी है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से थी हमारी पिक्सार्ट में, और मतलब थोड़ा सा और बढ़िया लगने लगी है। तो अगर आपको ना वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोगों के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेव कर लेते हैं, यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव टू डाल देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो सेव हो रही है। तो यहीं तक तो वीडियो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।